पहले वक्त में गर्दे और लैंड माइन से इस्तेमाल का इस्तेमाल किया जाता है, फिर कार में मारा जाता था, बस मारे जाते थे जो भी टारगेट थे, और जब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ गई तो वो कम हो गया। अब ये चौथा सिस्टम आ गया है एक पिस्टल से मारना, और उसके जो भी टारगेट है उनका उसके पास से गुजरना, उससे बगल से गुजरना और बगल से मारना। तो ये मेरे ख्याल में चौथी स्टेज है, चौथा नया तरीका है मिलिटेंट्स का अपने टारगेट्स को खत्म करने का, जिसकी वजह से मैं दौरा होना चाहिए था वैली का, वो नहीं हो पाया। तो लिहाजा मैंने 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, और पास वाला जो डिस्ट्रिक्ट है मानहाट डिस्ट्रिक्ट, उसके लोगों को भी नहीं बुलाया था। और दो दिन में मेरे ख्याल में 60-70 डेलीगेशन सीट लेना, 8-10 घंटे उससे जो ग्राउंड सिचुएशन है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जब आता है तो हर गांव से वर्कर आता है। मेरे आने का मकसद था, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट में जाता या डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ आ गए, मेरा मकसद था दो तीन चीज़ें दरियाफ्त करना। एक तो इसकी वजह क्या है जो किलिंग की, और मिलिटेंसी बढ़ गई है या घट गई है, और दूसरा लोग इलेक्शन चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, और तीसरी बात क्या वो स्टेटहुड चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या वो हमेशा की तरह जैसे पिछले 2-2.5 सालों से यूटी है, यूटी में ही खुश है। और चौथी चीज़ है कि डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और पांचवी चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कितनी है, और गरीबी बढ़ रही है या घट रही है। तो इन तमाम चीज़ों का मुझे जवाब मिला 11 की 11 डिस्ट्रिक्टों से, और इसके बाद मैं आज दोपहर बाद जम्मू जा रहा हूँ, वहाँ भी 3-4 दिन रहूँगा, और उसी तरह वहाँ भी सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करूँगा। एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है वन एंड ऑल, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक भी नहीं पकड़ा जाता है, तो ये बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि नॉर्मल मिलिटेंसी में जब कोई मिलिटेंट मारता था तो कम से कम या उसी दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन या पकड़ा जाता था या मारा जाता था। लेकिन ये अजीब बात है कि 2 हफ्तों में इतने इंसिडेंट हुए, तो एक भी आदमी न पकड़ा गया और न उसका कोई क्लू। लेकिन मजम्मत सब ने किया, कंडम सब ने किया, और ये भी कहा कि इसकी वजह से कश्मीर के अवाम बदनाम होते हैं, और जो वर्कर्स बाहर के हैं जो हमारी मदद करते हैं इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की सड़कें बिल्डिंग बनाने के, तो वो अगर जब भाग जाएंगे तो हम पहले ही पीछे बहुत चले गए हैं, तो और पीछे चले जाएंगे। इसलिए किसी भी बाहर के आदमी को, अंदर के आदमी को मारने की तो हमेशा मजम्मत करते ही रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो अब दूसरा उन्होंने शुरू किया कि दूसरे मज़हब के लोगों को मारना शुरू किया कश्मीरी मुसलमानों को, तो हज़ारों में उन्होंने पिछले सालों में मारा, लेकिन अब ये टारगेटेड जिसमें सिख भी, कश्मीरी पंडित भी और बाहर वाले, ये एक नई फिलॉसफी, तो इसकी मजम्मत की है सभी लोगों ने। मैं आवाम को और कश्मीर से बाहर भी जो हमारे लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के आवाम का इस किलिंग से कोई लेना देना नहीं है, और जिस तरह से मुल्क के लोग सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, उससे शायद 10 गुना लोग ज़्यादा यहाँ के आवाम सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और कश्मीर के आवाम के ख़िलाफ़ है। डेवलपमेंट के बारे में सबने कहा कि डेवलपमेंट सिर्फ टेलीविज़न में होगी, कोई डेवलपमेंट नीचे नहीं है, ज़मीन पे नहीं है। गरीबी बहुत बढ़ गई है पहले से, और कई जगह
राशन नहीं पहुंचता। और एक चीज़ और बताई कि महंगाई जो है कमर तोड़, हर चीज़ दाल से लेकर सब्ज़ी से लेकर गोश्त से लेकर पेट्रोल डीजल से लेकर जितना भी केरोसिन ऑयल है वो सब में महंगाई है। तो आमदनी कम हो गई है और खर्चा उससे चार गुना बढ़ गया। तो ये तश्वीश जाहिर की है आवाम ने। और इलेक्शंस के बारे में कहा है कि जितना फौरी तौर पर इलेक्शन हुए और जमहूरिया इलेक्शन हो जाते हैं तो इसलिए उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पहले इलेक्शन हो और फिर स्टेट हुड हो, बल्कि कहा कि स्टेट हुड अगर पहले दें तो उसको मिलिटेंसी ख़त्म करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है, ज़्यादा लोगों का कोऑपरेशन मिल सकता है, ज़्यादा इक्तिसादी तौर पर हालात ठीक हो सकते हैं। तो ये चार दिनों का मेरा यहाँ कश्मीर के टंगदार से लेकर और अनंतनाग तक, कुपवाड़ा से लेकर अनंतनाग तक, साउथ नॉर्थ और सेंटर कश्मीर के आवाम जो मिले उनका तमाम चीज़ें कहना होगा। और मेरे ख्याल में यही चीज़ें सब वाजिब चीज़ें हैं जो यहाँ की हेल्थ के लिए ठीक हैं, डेवलपमेंट के लिए ठीक हैं और फौरी तौर पर स्टेट में माहौल ठीक करने में ये तमाम चीज़ें अमल में ला सकती हैं। सर, डू यू थिंक दैट द स्पेट ऑफ किलिंग्स, द सिविलियन किलिंग्स दैट आर टेकिंग प्लेस इज एज अ रिजल्ट ऑफ पुलिस फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर? हाउ डू यू सी दिस? नो, एज आई हैव सेड इन द बिगिनिंग ड्यूरिंग माय 4 days विजिट टू श्रीनगर, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द लीडर्स, वर्कर्स of 10-11 districts, 10 districts of Kashmir Valley and one district of Ramban district. I think I met thousands of people, as many as 60-170 delegation over a period of 2 days, and each day I spent about 10 to 12 hours. So it was of course an eye-opener, because a lot of people, and one thing is clear that everybody has condemned this targeted killing and prison killings across the state, the Muslims, Hindus, Sikh, Kashmiri Pakistanis, and they are equally concerned like the rest, the people from this part of the country. But rather they are more concerned because they said the backlash will be in the Srinagar and not elsewhere in the country. So they are afraid of this backlash also, backlash of different types. So I think the entire valley is unanimous against this targeted killing. And of course they have always been against the militancy, because it has pushed us to poverty and backwardness. I would like to say I have come to the conclusion, my own conclusion, because in this long drawn मिलिटेंसी और यहाँ के लोगों को भी जिम्मेदारी देनी चाहिए, और स्टेटहुड सबसे पहले उसमें बगैर किसी विलंब के टाइम ज़ाया करने के स्टेटहुड इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कभी हमेशा इलेक्शन रिलेटेड होते हैं मिलिटेंसी से, मिलिटेंसी कभी बढ़ गई तो इलेक्शन आगे चलता है, मिलिटेंसी कम हो गई तो इलेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पहले इलेक्शन हो और फिर स्टेट हुड हो, बल्कि कहा कि स्टेट हुड अगर पहले दें तो उसको मिलिटेंसी ख़त्म करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है, ज़्यादा लोगों का कोऑपरेशन मिल सकता है, ज़्यादा इक्तिसादी तौर पर हालात ठीक हो सकते हैं। तो ये चार दिनों का मेरा यहाँ कश्मीर के टंगदार से लेकर और अनंतनाग तक, कुपवाड़ा से लेकर अनंतनाग तक, साउथ नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के आवाम जो मिले उनका तमाम चीज़ें कहना होगा। और मेरे ख्याल में यही चीज़ें सब वाजिब चीज़ें हैं जो यहाँ की हेल्थ के लिए ठीक हैं, डेवलपमेंट के लिए ठीक हैं, और फौरी तौर पर स्टेट में माहौल ठीक करने में ये तमाम चीज़ें अमल में ला सकती हैं। Sir, do you think that the spate of killings, the civilian killings that are taking place,
is as a result of police failure, intelligence failure. How do you see this? And no, as I have said in the beginning, during my 4 days visit to Srinagar, I had an opportunity to meet the leaders, workers of 11 districts, 10 districts of Kashmir Valley and 1 district of Ramban district. I think I met thousands of people, as many as 60-170 delegation over a period of 2 days, and each day I spent about 10 to 12 hours. So it was of course an eye-opener, because a lot of people, and one thing is clear, that everybody has condemned this targeted killing and prison killings across the state, the Muslims, Hindus, Sikh, Kashmiri Pakistanis, and they are equally concerned like the rest, the people from this part of the country. But rather, they are more concerned because they said the backlash will be in the Srinagar, not elsewhere in the country. So they are afraid of this backlash also, backlash of different types. So I think the entire valley.